आपने मुझे लप्पू क्यों बोला मानवी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मानवी मुझे लप्पू सा बोल रही है। व्हाई डू यू कॉल मी लप्पू? यार लप्पू गाइस, ये मजाक उड़ा रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे कि मानवी क्या खाना खाती है यूजुअली। आज 5 साल से जो से हमें मालूम चला है कि मानवी को सीलियक है। एज यू गाइज आर अवेयर, सम ऑफ यू आर अवेयर, तो सीलियक में क्या होता है कि नॉर्मल खाना नहीं खा सकती है, ये कोई स्पेशल खाना आता है इसका जिसको हम बोलते हैं ग्लूटेन फ्री फूड। सो ग्लूटेन फ्री फूड का स्पेशलिटी क्या है, टेल यू। जैसे कि ये है हमारा क्या बन है, स्वीट बन है, इनको बिल्कुल भी आम बन मत समझना क्योंकि इनके दाम बहुत ज्यादा है। तो यूजली जो भी जितने का भी आपको लगता है कि एक स्वीट बन होना चाहिए उसके कितने गुना मानवी? Six times का ये प्राइस है इसका, तो ऐसा वाला होता है ये। Although मेरी वाइफ खाती बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं, हाई मेंटेनेंस है, लेकिन जो भी खाती है क्वालिटी खाती है। This is what she eats. So guys, आज का हमारा टॉपिक है our pregnancy journey so far. एक चीज जो कॉमन रही है that is medicines. तो डॉक्टर्स क्या यूजुअली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ये सब देते हैं स्टार्टिंग में, अगर कभी फीवर हो जाए, गॉड फॉरबिड, या कुछ भी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीबायोटिक्स बहुत कम देते हैं क्योंकि वो ट्राइमेस्टर थोड़ा क्रिटिकल होता है। उसके बाद आ रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर, मेरे को बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही थी, सो मैं मीठा ज्यादा खा रही थी, तो मेरे को कैविटी हो गई थी दांत में। मैं गई डॉक्टर के पास, ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं हो सकता अभी, सेकंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है आप कोई भी पेनफुल प्रोसीजर अंडरगो नहीं कर सकते, तो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल एंड मुझे थोड़ा बहुत अपनी क्रेविंग कर्व करनी पड़ी। बट एक चीज जो मेरी स्टार्टिंग से कॉमन रही, रोज सुबह मैं जब उठती हूँ एम्प्टी स्टमक पर थायराइड की मेडिसिन खाती हूँ, के बाद 1 आवर का गैप देना पड़ता है। मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसमें या तो पोहा या मूंग की दाल का चूल्हा या फिर राइस वाला चूल्हा, कभी डोसा, कभी राइस की रोटी, या कभी इडली मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, ढोकला, ये सब चीजें मैं खाती हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ बिकॉज एक रात पहले से बहुत प्यास लगी होती है, एंड रात में मैं पानी पीना अवॉइड करती हूँ यूजुअली क्योंकि आप एक सिप भी पानी लोगे आप तुरंत वॉशरूम भागोगे, एंड वो इतनी बार फॉल्स अलार्म ही होता है, लगता है कि इतना प्रेशर बन रहा है, मतलब इतना आप कहीं नहीं जाते जितना आप वॉशरूम जाते हो, एक घुट पानी पिया वॉशरूम भागे। तो रात में मैं अवॉइड करती हूँ, लाइक 7-8 o'clock के बाद मैं कोशिश करती हूँ कम से कम पानी पीऊँ और अपनी मेडिसिन भी उस हिसाब से ले लेती हूँ ताकि मुझे रात में मेडिसिन के लिए भी पानी नहीं लेना पड़े ज्यादा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अभी बेबी, अभी जो आपका पेट है वो आपका पेट नहीं है, आपके बॉडी पार्ट्स नहीं, वो बेबी का अपार्टमेंट बन गया है। तो उसमें वो क्या करता है, वो जब मन करता है, मेरे बेबी की तो फेवरेट सीट है वो है मेरा ब्लैडर, वो वहीं पे बैठा रहता है, वहीं पे जंप करता है, उसको मजे आते हैं वहां पे, एंड सारे आपके पैंक्रिया, स्टमक के, वो लिवर, वो सब आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। और बेबी कहते हैं नहीं, यहाँ कर आ जा, मैं हूँ, मेरी स्पेस है सारी। तो ये उनकी फाइट चलती रहती है। एनीवेज, अरे हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन, हमने फाइनली बेबी का नाम डिसाइड कर, मतलब शॉर्टलिस्ट कर लिया है, क्या बॉय हुआ तो गर्ल हुआ, या इट इज एक्चुअली अ टास्क But we won't reveal it right now. We will not. We are not revealing it right now. But हाँ, finally हम दोनों एक चीज पे agree कर चुके हैं, क्या नाम होगा अगर baby boy हुआ और क्या नाम होगा अगर हुई baby girl. और ये task वैसे भी चेतन के लिए, मेरे लिए था क्योंकि मैंने बहुत शौक से नाम ढूंढ के रिसर्च कर करके मैंने बड़े सारे यूनिक नाम निकाले, और हाँ चेतन का एक मन था कि A से नाम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं, तो बच्चे का रोल नंबर सबसे पहला होगा, वो एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाएगा, चीटिंग भी नहीं कर पाएगा और सबसे पहले उसी का नंबर आएगा। A से तो बिल्कुल नहीं रखेंगे हम, क्योंकि A से रखने के बाद मतलब हर चीज में उसी का पहला नंबर होगा, उसके एडवांटेजेस अपने अलग होते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल। और तो मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है ऊपर से, ऐसा है गाइस, देखो इट्स वेरी इजी टू से कि ये नाम रख लो वो नाम रख लो जब किसी और के लिए आप बोलते हो, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू वांट टू कीप अ नेम फॉर योर ओन किड। हमने 9 months से हम सोच रहे हैं और अब जाकर के हम फाइनलाइज हमने कर लिया कि यही नाम, इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में सोचा था ये नाम जो भी सोचे हैं फिर के उसी पे आ गए हम। तो यार स्टार्टिंग में चेतन ने भी बहुत यूनिक नाम सोचे हुए थे, अगर बॉय हुआ तो चेतन सांख्यान, गर्ल हुआ तो चेतन सांख्यान, मेरा नाम बहुत यूनिक है, वेरी यूनिक, मेरे नाम से और कोई है नहीं इस वर्ल्ड में, तो इसलिए हम चेतन सांख्यान रखेंगे। Also, भी गौतनों की हॉस्पिटल में वो पूछते हैं जब हमें उसका बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, दे आस्क फॉर द बेबीज नेम, तो हमने उसका नाम सोच के रखा है कि हाँ अगर वो पूछेंगे बेबी गर्ल होगी तो ये नाम। अच्छा हाँ, also guys, हम लोग ने ना शॉर्ट्स बनाने भी स्टार्ट कर दिया, वी स्टार्टेड पोस्टिंग, बट समहाउ कुछ तो उसमें ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। दोज़ ऑफ यू हु डोंट नो कि हमने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट करें, प्लीज डू चेक देम आउट एंड हमारी वीडियो जरूर देखो, एंड किसी को अगर पता है कि वो उसकी नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली ऑन कैसे करनी है प्लीज हमें बता देना, बिकॉज हमें उतना आइडिया है नहीं। एंड एज ऑलवेज प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट ऑन आवर वीडियोस, प्लीज प्रमोट आवर चैनल, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।